सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप भाइयों के लिए काफी शानदार जोटी लेके हाजिर हुए हैं। प्रयास बार बार वीडियोज के जरिए हर उस पशुपालक का पशुधन दिखाने का रहता है, चाहे वो अपने घर तैयार करके किसान हो या फिर बात करें जो व्यापारिक वर्ग, जिसके जरिए आपको एक ही जगह पे इकट्ठी काफी सारी भैंसें और मैं कहूंगा बिल्कुल खराब पशुधन मिलता है, क्योंकि एक जो पशुपालक बिक्री का काम करता है लगभग अच्छी ही क्वालिटी का पशु लेता है, क्योंकि उसको रूटीन से वो सेल करना है। और घर रखने वाला पशुपालक है उसके घर चाहे अच्छा हो या बुरा, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसके घर जन्म लिया है पशुधन ने वो उसको चाहे वो गलत हो तो भी रखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो को जो भी पशुपालक पहली बार इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और रेगुलर वीडियोज के लिए साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि वहां भी आपको वीडियोज मिलती रहें। काफी जानी पहचानी सी जगह है पशुपालक भाई जो सामने राकेश जी को देख पा रहे हैं, जानते भी होंगे। आज की वीडियो गांव सुदराणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से लेके आ रहे हैं, एक ऐसे पशुपालक जिन्होंने अपना परिचय अच्छी पशुधन बार बार वीडियोज में दिखा के और तब बनाया है। और आज आपके समक्ष एक और जोटी और एक बार फिर वही राकेश जी, लेकिन पशुधन फिर से नया है। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार जी भाई साहब। तो काफी टाइम के बाद वीडियो है। हाँ जी। कौन से ब्यात की जोटी है, क्या कुछ डिटेल है, एक बार संपूर्ण जानकारी दें भाई। ये पहले ब्यात की मंजीत। जी जी। बच्चा दियो इसको आज हो गए मात्र 25 से 28 दिन। अच्छा, महीने के अंदर अंदर की है। महीने के अंदर है, महीना से ऊपर नहीं कुदी है। जी जी ठीक है जी। आज इसमें मौके पे कांटे का दूध तो 16 kg है। हाँ हाँ। और डब्बे का 18 भी तोल देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है जी। पहले ब्यात की जोटी है। ब्यात की जोटी है। और साथ में बच्चा है वो किसी सीमन का है, कैसे? हाँ सीमन का है भैया, सीमन का। तो एक बार जोटी को आप खोल के चला के इसको वीडियो के माध्यम से हम पशुपालकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। पहले ब्यात की जोटी और 16 किलो दूध कांटे के तोल का, क्योंकि जब कांटे के तोल का बात आती है तो कांटे पे तोलने में अच्छे अच्छे जो पशुपालक हैं उनकी मैं कहूंगा जो पशुधन की क्षमता ही खत्म हो जाती है जब कांटा लगता है। तो पहले ब्यात की जोटी बिल्कुल छोटे सींग की और जो अडर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है, वो बहुत ही शानदार, बिल्कुल पैर के बीच का फंसा हुआ टाइट अडर। और जब भी पशुधन दिखाया है अच्छा ही दिखाया। ले आओ जी, पहले ब्यात में मैं कहूंगा 16 दूध है, काफी होता है, काफी ज्यादा 16 किलो जब तोल की बात आती है तो अच्छे अच्छी जो बड़ी भैंसे हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा कि नहीं निकाल पाती। पहले ब्यात की है मैं कहूंगा यंग जोटी है, थोड़ी भागदौड़ जरूर कर रही है बच्चे के लिए, लेकिन आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही है बिल्कुल छोटे से छोटा सींग। और जो थनों की क्वालिटी है वो आपको शायद किसी पशुधन में भी जो तीसरे ब्यात वाली है उसमें भी ऐसी नहीं मिलती, बिल्कुल मुठी आकार के और सींग बिल्कुल इक्वल, ये नहीं कि किसी कारीगर से सींग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़, बिल्कुल छोटे हेड की लंबी गर्दन और सिंगार भी काफी किया हुआ आज राकेश जी ने, क्योंकि एक अच्छी जोटी की। और एक मिनट जी, थोड़ा डर रही है जोटी, ये देखिए जो नसें, थनों की स्पेसिंग, थनों की क्वालिटी बिल्कुल मुठी आकार के और जो टाइट और जोशीला आर्डर है मैं कहूंगा ये एक दुधारू पशु का मिलेगा, क्योंकि आजकल बड़े और खाली जो लेवे होते हैं उनके पीछे पशुपालक भाग रहे हैं, लेकिन सही मायने में एक दूध वाली भैंस का जो आर्डर है ये देख पा रहे, बिल्कुल फंसा हुआ पैर के बीच का टाइट और जोशीला, ये देख सकते हैं आप नसें HF गाय की तरह है इसके जो अडर में टाइट। लगभग अगाड़ी कितनी निकाल देती है? 3-3.5 किलो की, 3-3.5 kg की अगाड़ी निकाल रही है। पीठ पुट्ठा काफी चौड़ा, बिल्कुल पतली कागज जैसी चमड़ी। और ये देखो लेवटी। जी जी बिल्कुल, उस टाइम जब बाहर से जोटी अंदर की तरफ भागी थी तो बच्चे के लिए आई थी, बहुत ही जो पहले ऐसी आर्डर की एक जोटी सुखबीर भाई के पास से आई थी जिसका आर्डर ऐसा ही था। मैंने तो 1000 वासियों की दुआई कर ली। जी जी, ऐसी दुआई आपको इसकी मिल्किंग करवाऊंगा मैं। जी जी, ऐसी थन और ऐसी दुआई नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, आज साथ में एक मिल्किंग वीडियो भी करवाई, इसकी मिल्किंग करवाऊंगा आज। मिल्किंग की वीडियो भी आप पशुपालकों को साथ ही दिखाना चाहेंगे एक बार करीब से। कितनी छोटी लगा लो, कितनी वजन में कितनी आड़ी है, दूध देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं बड़ा पशु भारी भर कम अच्छी हाइट लेंथ वाला ही ज्यादा दूध निकाले। एक मिनट इधर ले आओ। जी जी, ये देखो जी, ये देखिए, दिखाओ थोड़ा आगे।
और जिस हिसाब से लेवा है खाली भी ऐसे ही होती होगी बिल्कुल बिल्कुल नींबू सा नहीं चढ़ जाएगा जी जी। साथ में जो काफ आप सामने देख पा रहे हैं मेल काफ, काफी हाइट लेंथ इसकी भी काफी ज्यादा, क्योंकि दूध अच्छा पिला रखा है ऐसी जोटी युवराज का, ऐसी जोटी है उनके काफ भी मायने रखते हैं बिल्कुल ब्लैक टेल का, और लगभग एक महीने के अंदर अंदर राकेश जी का तो मेल काफ नहीं जी जी। तो ये पहले ब्यात की जोटी इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध है, इनका एक बार संपर्क सूत्र जरूर जानना चाहेंगे 9671 जी जी 86 जी 53 94 जी जी ठीक है। तो कोई भी भाई लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। कांटे के तोल का सोड़ा, और वैसे लीटर का माने तो आप ज्यादा भी निकाल देगी, और अभी इसकी मिल्किंग वीडियो कुछ ही देर में आप भाइयों के समक्ष हम साझा करेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।